नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ पर लगातार रुझानों से स्पष्ट बहुमत अब किसे मिल रहा है बता रहे हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। तो महासंग्राम के बाद अब तस्वीर छटकर लगभग साफ है। रुझानों में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ आगे चल रही है और बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होंगे। सबसे पहले वो डेटा, वो खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। आपको बता दें जी, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल हार रहे हैं और हार गए हैं, स्पष्ट हो गया है। दरअसल शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार यहां पर जीत रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो अब सीटें हैं रुझान से अब ये परिणाम की तरफ जा रहा है। शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार जीत चुके हैं। बिल्कुल, रुझानों से बादल छट चुके हैं, अब नतीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तस्वीर लगभग क्लियर होने लगी है, कौन कहां से जीत रहा है, कौन से चेहरे दांव पर थे, किनकी साख दांव पर थी, अब उनकी आगे सियासत का क्या होगा, क्या होगा राजनीतिक भविष्य। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं चुनाव। बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल, शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार जीत गए हैं और इस बार मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा गया था। बहुत सारे मंत्रियों की साख दांव पर थी और लगातार कांग्रेस यही कहती रही थी, दावे यही थे कि आप देखिएगा बहुत से मंत्री चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, मिलीजुली तस्वीर सामने आ रही है, बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल हार गए हैं, ये एक बड़ा झटका मंत्री प्रेम सिंह पटेल के लिए। तो शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल, और ये बड़वानी वो सीट है जिस पर सभी की नजर थी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस सीट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर सवाल उठा रही थी। हालांकि अब बड़वानी सीट की अगर बात करें तो कई दिग्गजों ने यहां पर प्रचार किया था बड़वानी सीट को बचाने के लिए, और यहां पर जो रिजल्ट है प्रेम सिंह पटेल के विरोध में आया है और उनको जनता ने नकार दिया। दिग्गजों के द्वारा लगातार यहां प्रचार किया गया था और चूंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो ये जो पूरी विधानसभा सीट है वो पिछले चुनाव में भी नजर में थी और इस बार भी जो परिणाम है वो कुछ इसी तरह के, प्रेम सिंह पटेल की हार बड़वानी सीट से जबकि शुजालपुर से मंत्री इंदर सिंह परमार की जीत हुई है। इस बार का चुनाव आस्था बहुत दिलचस्प रहा है, जो कि लगातार कहा भी जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि जो एग्जिट पोल है वो धराशायी हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन लगभग आसपास ही परिणाम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से 18 साल लगातार सरकार चलाने के बाद बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती इस एंटी इनकम्बेंसी से बाहर निकलने की थी और उसके साथ साथ कांग्रेस जो कई मुद्दे चुनावी मैदान में लेकर के आई थी, उनकी काट ढूंढना, चेहरों को लेकर दोनों ही पार्टियों के अंदर की परिस्थिति और चेहरे खींचतान और रस्साकशी, उस सब के बीच बीजेपी कामयाब हुई है रणनीति में और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुझान से आगे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, नतीजे एक एक करके सामने आ रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश शुजालपुर से इंदर सिंह परमार जीत गए हैं, बीजेपी प्रत्याशी इंदर सिंह परमार की जीत हुई है, अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं चुनाव जीत गए तो कहीं किसी को हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन बड़ी तस्वीर यही कि 150 सीटों के साथ फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस 72 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है तो अन्य भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लगातार ये टैली बदल रहा है, लेकिन बीजेपी 150 के आसपास पकड़ बनाए हुए रुझानों के अंदर। और आसाब, चूंकि अब वो वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि अब दर्शकों को इसी तरह से रिजल्ट देखने को मिलेंगे जहां पर अब तक हम रुझानों की बात कर रहे थे, वो रुझान जो कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रहे थे, वो रुझान जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी दिवाली मनाने की ओर आगे बढ़ रही थी, अब वो नतीजों में बदलने लगी है। कुछ एक जगह पर हो सकता है निराशा देखने को मिले भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये तो आस्था तय हो चुका है कि सरकार बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ रही है। और ये देखिए, हम इस वक्त वो विजयी रथ दिखा रहे हैं, वो आंकड़े दिखा रहे हैं जिस पर कि सवार होकर के निर्दलीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीटों के आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का भी था इस बार के चुनाव में और ऐसे में 156 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है और इस लीड में पिछड़ती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी 72 सीटों के साथ। ये रुझान अब नतीजों की ओर बढ़ चले हैं। सुबह से लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरा नेटवर्क 18 लगातार रुझानों से लेकर परिणामों तक की जो कहानी है वो बयां कर रहा है और ये सिलसिला शुरू हुआ था एग्जिट पोल से। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ जो जश्न है वो शुरू हो चुका है, जीत के जश्न की शुरुआत हो रही है। अलग अलग जगह से तस्वीरें मिल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना और
फूल बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, जनता के बीच में आ गए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मतलब जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी, अब कोई शक शुबा नहीं है, अब बात उससे आगे की होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, एक तरीके से यहाँ पर खुलकर ना कहे लेकिन एक प्रत्याशी जब जीतता है, एक बड़ा चेहरा जब जीत हासिल करता है, एक सूबे का मुख्यमंत्री जब जीतता है तो उसके बाद इसी अंदाज में, इसी जेस्चर के साथ बाहर आता है, माइक उनके हाथ में, सुनने की कोशिश करेंगे वो क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, अब आगे मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ आप सबको। नमस्कार। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरी लाडली बहनाएं साथ, लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है, अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहां जाते थे, बहने आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे सहे करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे, भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और इतने बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भांजियों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है, भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और फिर कितना करेंगे, वो एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा, इतना तो 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। बहना बनी आज बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को, एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा, मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपनी सब बहनों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है, और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियाँ हैं देवी की मूर्तियाँ हैं। आपका सम्मान, सुरक्षा, हमारी जिंदगी का लक्ष्य है।
क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ, तुम्हारी जीत है। सभी बहनों की भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश से भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे, मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीर्ष झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। यादें भी सर्व हूतेषु मातृरूपेण संचिता, नमस्कारी नमस्कारी नमस्कारी। मैं बारंबार प्रणाम मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम। लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। सभी महिलाओं और बहनों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है और कहा है कि ये लाडली लक्ष्मी लाडली बहनाओं का कमाल है और जो वादे किए गए थे एक एक करके सभी पूरे होंगे और वो समय दूर नहीं जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी। सभी महिलाओं को शुक्रिया अदा किया, हाथ जोड़कर देवी मंत्र तक उनके सामने मुख्यमंत्री ने बोला। और अब देखिए किस तरह पुष्प वर्षा उन्होंने उन्हीं महिलाओं पर की है और वो महिलाएं हाथ मिला रही हैं मुख्यमंत्री से, मामा शिवराज से, सभी के मामा हैं। और एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हुई है। ऐसा यहाँ पर वो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है जो कि शिवराज सिंह चौहान और गौर परिवार के बीच की जो नजदीकियां शुरू से रही हैं, चाहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर की हम बात करें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनके अहमियत को जानते होंगे। कृष्णा गौर ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, इस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और शिवराज परिवार के साथ लगातार गौर परिवार की जो नजदीकियां रही हैं वो यहां भी नजर आ रही हैं। देखिए साधना सिंह के साथ कृष्णा गौर भी वहां नजर आ रही हैं और बुधनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश में कथित लाडली बहनों के सब भाई प्यारे और मामा और उनका जो आश्वासन हमने चुनाव में देखा था, आस्था महिलाओं को बेटियों को जो आश्वासन उन्होंने दिया था उस तरह वो आश्वस्त किया था और ठीक उसी तरह का आश्वासन बहनों ने भी यहां दिया था। और कांटा निकलने की बात उन्होंने कही है, जो कांटे की टक्कर का बार बार कांग्रेस पार्टी जिक्र कर रही थी उस कांटे की टक्कर में इसे कांटा निकाल दिया है और टक्कर मारकर भारतीय जनता पार्टी ने परास्त कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। और यहां पर बहुत सारे ऐसे तथ्य, बहुत सारी ऐसी बातें आस्था जो याद आ रही है बार बार, चूंकि 2018 के चुनाव में जो चीजें हमने देखी थी वहां पर यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की गलतियों से जीत हासिल की। और इस वक्त एक बड़ी खबर अभनपुर से बीजेपी की जीत की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और स्पष्ट परिणाम आ गया, इंदर कुमार साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, 14,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बड़ी ब्रेकिंग, वडनगर से बीजेपी की जीत हुई है, एक और कंफर्म सीट बीजेपी की। रुझानों से आगे बढ़ते हुए कोतमा से बीजेपी की जीत, एक और कंफर्म सीट बीजेपी की। अब जोड़ते जाइए उसका फाइनल टैली, आपकी स्क्रीन पर लगातार अपडेट होता रहेगा। अभनपुर से बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी के इंद्र कुमार साहू ने जीत हासिल की है। और रट लिए चलते हैं आपको जहां अवंतिका हमारी सहयोगी मौजूद है। अवंतिका, बड़ी खबर। बिल्कुल, तीन और सीटों को लेकर जानकारी आशीष मैं आपको बता दूं। आप सही कह रहे थे नारा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसी प्रकार से स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में बरकरार रखती हुई, तीन और सीटें जिन्हें लेकर जानकारी। अनूपपुर की बात कर ले, कोतमा से दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत चुके हैं। रतलाम के ग्रामीण क्षेत्र से मथुरालाल डामर जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल कर चुके हैं। बुरहानपुर के लिए भी एक जानकारी है, बुरहानपुर में क्या समीकरण? बुरहानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 20वें राउंड में अर्चना दीदी 31,000 वोट से जीत गई। 31,000 वोटों का डिफरेंस अर्चना दीदी। भारतीय जनता पार्टी तमाम उन महिला कैंडिडेट्स पर भरोसा जाहिर कर रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ का भी यह सिलसिला अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पार्टी होने का दावा। और मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का असर धीरे धीरे नतीजों में। आस्था,
बिल्कुल, चलिए फिर लौटेंगे रिजल्ट हब पर, लगातार हम आते रहेंगे ब्रेकिंग न्यूज के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आएंगे। स्क्रीन के सामने से आपको हिलना नहीं है क्योंकि यहां पर लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तेजी से रुझान जो है वो नतीजों में बदलने लगे हैं। ये कंफर्म सीट्स हैं जो अब सामने आ रही हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश और कांग्रेस, फिलहाल रुझानों की बात करें तो डबल से भी ज्यादा का मार्जिन है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तस्वीर स्पष्ट है, बीजेपी बड़ी लीड के साथ आगे है। नतीजों में तब्दील होगी, फाइनल सीट्स के आंकड़े आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी आशा और उम्मीद की तरफ बीजेपी और निराशा की तरफ सीधे तौर पर कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये जो आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा है। अभनपुर की हमने बात की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। और यहां पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बुरहानपुर से, अर्चना चिटनिस की जीत हुई है। बुरहानपुर सीट से अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल की है। अभी जैसा कि रट से अपडेट मिला है, बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल की है। अर्चना चिटनिस जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं में एक बड़ा चेहरा मानी जाती है और लगातार महिलाओं की समस्याओं को लेकर और खास करके लाडली बहना योजना जब शुरू हुई थी आस्था, उस वक्त भी मुझे याद आता है अर्चना चिटनिस ने चुनाव के दौरान खुद बैठ करके उन लाडली बहनों के फॉर्म्स भरवाए थे, उन लाडली लक्ष्मियों के फॉर्म्स भरवाए थे जो कि लाभार्थी हैं इस योजना की, जिन्हें पात्रता हासिल थी उनके लिए ये अर्चना चिटनिस को जीत दिलाना एक स्वाभाविक सा नजर आ रहा था। लेकिन अब बुरहानपुर में जीत के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि आगे सीटें और बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि अभी तक तो रुझान में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी और अब ये धीरे धीरे स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा आंकड़ा। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जीत दर्ज कर ली है। बुरहानपुर की सीट इसमें शामिल है और बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस ने जीत दर्ज की है। आस्था, चूंकि महिला होने के नाते भी आप इस बात को समझ पाती है कि महिलाओं का खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फोकस कर रही थी और एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला किस तरह से जूझती है, उसके लिए जो ये सहयोग राशि भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, एक बड़ा ट्रंप कार्ड। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हालांकि इसकी काट कांग्रेस ने भी प्रस्तुत किया, आप मध्य प्रदेश में देखिए उनकी चुनावी मैनिफेस्टो को उठा के, वही उन्होंने राजस्थान में किया, वही छत्तीसगढ़ में किया, वहां तो योजना इंप्लीमेंट भी की गई। लेकिन जरूरी यह है कि जनता को किस पर भरोसा होता है, जनता को किसकी बात समझ में आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो जीत अगर बीजेपी की होती है तो विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को आने वाले समय में पोलिंग बूथ के बाहर अगर महिलाओं की लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी तो कहीं उसका वहीं से नर्वस अप डाउन ना शुरू हो जाए। आप पूर्व में विधानसभा चुनावों को उठाकर देखिए, यह सिलसिला 2019 से चल रहा है जब दूसरी बार आम चुनाव हुए थे और बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद से जितनी जगह बीजेपी ने चुनाव जीते हैं महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही वजह है कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है या जहां सरकार बनाने की मंशा है, दोनों ही जगह महिलाओं को आगे रखती है। और केंद्र स्तर पर भी आप देखिए, चाहे कैबिनेट को उठाकर देखिए, एक विमेन लेड गवर्नमेंट की बात होती है। देश की प्रेसिडेंट एक महिला है, वो एसटी कम्युनिटी से आती है, मंत्रिमंडल में महिलाओं को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है और यही सब कुछ इसी मॉडल को स्टेट में भी इंप्लीमेंट किया जाता है। यूपी में भी उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। अब राजस्थान में देखना होगा सरकार बनती है तो क्या तस्वीर निकलती है, और मध्य प्रदेश में तो खास ध्यान रखा ही जाता है लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना, अब उसमें कुछ ना कुछ प्लस बढ़ता जा रहा है। अब लखपति बहना की बात मुख्यमंत्री शिवराज कर रहे हैं, तो महिला एक ऐसा कार्ड हो गया है बीजेपी के लिए जिसकी कार्ड फिलहाल कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह से ब्रांडिंग हुई है इस पूरी योजना की, जिन बातों का आपने जिक्र किया मुझे दिखाई दे रही है, अब वो 8 से 9 सीटें हो गई जो क्लियर मैंडेट मिल गया है। कांग्रेस पार्टी अभी 3 पर ही है, हालांकि रुझानों में अभी भी बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 69 पर आ चुकी है। और जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के सबसे प्यारे लाडले भैया और मामा शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से इसकी ब्रांडिंग की, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक इसमें पिछड़ गई। उन्होंने ठीक है महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें जरूर कही, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कैंपेन, हमने आपने यूपी का जिक्र किया तो मुझे वो यूपी का इलेक्शन याद आता जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिक्र किया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उस बीच वहां कुछ स्थिति स्पष्ट हो नहीं पाई और यहां भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और लगातार रिएक्शंस का भी दौर जारी है, बीच बीच में बड़े नेताओं के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर में खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, चर्चा करेंगे कि इस चुनाव के क्या मायने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है 2024 की वो लड़ाई। ये जो 4 राज्यों का आज परिणाम घोषित हुआ है जिसमें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की, राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं, आगे आस्था 2024 के लिए सत्ता का सेमीफाइनल से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए यहां से संदेश जरूर निकलेगा क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो बहुत हद तक उसमें लोकल मुद्दों की बात होती है, लेकिन हमने पूर्व में देखा है कि कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पार्टियां लीड ले लेती हैं। लेकिन निश्चित रूप से 2024 जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसमें संदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान से जाएगा, खासतौर पर ये जो हिंदी बेल्ट है।
जहां पर लोकसभा की ज्यादा सीटें आती हैं, निर्णायक होती हैं जातिगत समीकरण। आप देखिए, देश में एक बहस जातिगत जनगणना को लेकर छिड़ी थी और विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि मुद्दा उसके हाथ ऐसा लगा है इसकी काट बीजेपी को मिलेगी नहीं। आप ध्यान कीजिए, थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि मैं सिर्फ चार वर्गों को मानता हूं, एक है गरीब, दूसरी है महिलाएं, तीसरे किसान, चौथे नौजवान। तो मुझे ऐसा लगता है उस जातिगत जनगणना के बदले प्रधानमंत्री मोदी का जो गरीब कार्ड है वो भारी पड़ गया और जाति धर्म से एक बार फिर से ऊपर उठकर महिलाओं ने, नौजवानों ने वोट किया बीजेपी। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश की बात थी। आस्था, और ले चलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में इस वक्त हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, आज की जो तस्वीरें हैं अब वो रुझानों से परिणामों की तरफ बढ़ने लगी हैं और इस वक्त आप मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां पर और किस तरह की अभी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं इस पर? जी 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 बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर यहाँ बदलने लगी है और तस्वीर शायद बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं था और मुझे लगता है खुद भाजपा को भी शायद इस फिगर का अंदाजा नहीं था। जीत को लेकर वो आश्वस्त थे, दावे कर रहे थे, लेकिन इस फिगर तक वो पहुंचेंगे ये भी अंदाजा नहीं था और बड़ा उलटफेर है तमाम कयासों को झुठलाते हुए। हालांकि फिर भी ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे थे वो इस परिणाम को लेकर आश्वस्त थे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। सौरभ जी हैं कांग्रेस से, स्वागत करता हूं। सुंदरानी जी, ये फिगर तो आप 15 साल जब थे तब भी नहीं पहुंच पा रहे थे। नहीं, निश्चित रूप से ये परिणाम जो है, 3-4 महीना पहले की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से ये संभावनाएं नहीं लगती थी। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया, भूपेश बघेल जी के सरकार के काले कारनामों को सामने लाने का काम किया, चाहे वो गौठान का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो या महादेव ऐप की बात हो, जिस प्रकार से लगातार सरकार की नाकामियां, जो 36 वादों में 6 वादे भी पूरे नहीं करना और नए वादे 17 नए कर देना, जनता को ये बात को रास नहीं आया। जनता ने हमारी महतारी योजना को हाथों हाथ लिया, माताएं बहनें निकल कर मतदान किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और वैसे युवाओं ने, यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करें, जिस प्रकार से युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, आम आदमी भय और आतंक में जीता था, बिगड़ती कानून व्यवस्था इस प्रदेश की, कहीं ना कहीं महिलाओं में, युवाओं में, परिवार की माताओं को एक बात लगती थी कि जब तक उनका बच्चा घर वापस नहीं आ जाता था दहशत में रहते थे, तो कहीं ना कहीं इनसे मुक्ति पाना चाहता था। 5 साल की सरकार कहीं ना कहीं घमंड में चली, जातिवाद का बढ़ावा देने का काम किया। कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि जो बिगड़ती कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था, महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, युवा सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, तो ये एक बहुत सारे कारण एक साथ बने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनता ने के बीच में पिछले 10-12-15 दिन में ये बात का माहौल हो गया था, मतदान के पहले चरण के मतदान से ही ये बात महसूस होने लग गई थी कि पहले 20 के जो चुनाव हुए रही कैसे संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चीजें हुई हैं। आपके पास हम लौटेंगे अभिषेक, आप बने रहिए। एक बार फिर से रिजल्ट हब का रुख करते हैं। अवंतिका हमारे साथ हैं, उनके पास क्या अपडेट है? जी अवंतिका, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ मध्य प्रदेश की 4 सीटें उज्जैन के तारना, कांग्रेस की तरफ से महेश परमार जीते हैं, रतलाम के जावरा, बीजेपी की तरफ से राजेंद्र पांडे ने बढ़त हासिल की और उसके बाद अब जीत वो चुके हैं। साथ ही साथ छतरपुर, महाराजपुर से भारतीय जनता पार्टी के कामाख्या प्रताप सिंह जीत हासिल कर लिए, नर्मदापुरम से सुहागपुर विधानसभा सीट बीजेपी की तरफ से विजयपाल सिंह जीत चुके हैं। उससे बड़ा अपडेट आस्था ये कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही प्रचारित ना किए जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन लाडली बहनाओं के प्यार से सराबोर 75,000 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। आप देख रही हैं किस प्रकार से लाडली बहनाएं प्रेम लुटा रही हैं। लाडली बहनाओं का असर आपका है, मोदी मैजिक आपका है, अमित शाह की बेहतरीन रणनीति आपका है, लगातार नतीजों के जरिए सामने आती हुई 4 सीटों का जानकारी मैंने आप तक दी है, लेकिन 4 में से 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस। आस्था, ठीक है, लौटेंगे, आप बने रहिए अवंतिका हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं रायपुर का। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो है पैनल भी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिषेक, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, वो भी आकलन कर रहे होंगे कहां गड़बड़ हुई। भूपेश बघेल के लिए तो कहा जा रहा था
कि वो जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को लेकर चल रहे हैं, उनकी जो वहां पर योजनाएं हैं कि अगर कांग्रेस की वापसी होगी तो फिर वो बघेल की जीत पहले होगी, लेकिन यहां तो सब उलट गया। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और सवाल का विश्लेषण भी जरूरी है। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, ये फिगर किसी ने, खासकर आपकी पार्टी ने अंदाजा नहीं लगाया था, कैसे इस फिगर तक फिसल गई? पिछली बार 71 सीट और 68 सीट पाने वाली पार्टी आज 35 पर यहाँ पर नजर आ रही है, क्या कारण आपको समझ आ रहा है? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं और 12 से 14 सीट में ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर सिर्फ 700, 800, 900, 1200, 1500 से ही आगे है। जैसे कि अपन खैरागढ़ देखते हैं, कोटा देखते हैं, गुंडरदेही देखते हैं, जांजगीर देखते हैं, तो मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह होने की जरूरत नहीं है, उन्हें परिणाम का उन्हें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्जिन है ही नहीं वहाँ पर और वो पलटने में समय नहीं लगता, ये चुनाव है। और भ्रष्टाचार तो उन्होंने 15 साल में किए थे, ये चूक कहाँ हुई इसकी समीक्षा की जाएगी। तो अभी भी जीत की उम्मीद आपको यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भी सभी में 7-8 राउंड के गिनती हो चुके हैं और अन्य राउंड की गिनती बची हुई है, तो वहाँ पे ज्यादा मार्जिन दिखती नहीं है। सुंदरानी जी, आप तो अनुभवी आदमी हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितना जो फिगर दिख रहा है इसमें अंतिम राउंड पहुँचने तक अप डाउन हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो फिगर दिख रहा है 54 का फिगर है, ये स्थिर हो जाएगा, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, हम निश्चित रूप से 53-55 सीटों तक आएंगे। 55 सीट तक हमारा टारगेट था, 55 सीट का टारगेट हम पूरा करेंगे, अभी भी हम 54 सीट पे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आखिरी के 2-4-5 सीटें ऐसी होती है जिसमें 2-400, 500, 1000, 1500 वोट का मार्जिन होता है, लेकिन जिस तेज़ी से हमारी सीटें बढ़ी है वो हमारा आंकड़ा बरकरार रहेगा। निश्चित रूप से ये 54-55 का आंकड़ा जो है इससे हम नीचे नहीं जाएंगे, 55 के आसपास हम पहुँचेंगे। तो आप इसे एक ट्रेंड मान रहे हैं कि बाकी जो राउंड्स होंगे ये वो भी कुछ इसी प्रकार के नतीजे दिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नतीजों में अब अभिषेक थोड़ा स्पष्टीकरण आने लगा है। मैं आपके पास लौटूंगा, बातचीत का सिलसिला आप आगे जारी रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं राजीव जी और सुरेंद्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। महाकवरेज लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।